देखिए, माल कहीं का भी हो उसके ऊपर एक इलाकाई छाप लगानी नहीं चाहिए। वैसे हम तारुफ के लिए क्या देते हैं, माल चाहे कराची का हो, माल चाहे रोहड़ी का हो, सखर का हो, पंजाब का हो, कहीं का भी हो, कारोबार तो कारोबार है, ठीक है। लेकिन बात करते हुए अगर ये कह दिया जाए कि माल कराची का है या पंजाब का माल है, तो वो जस्ट उसको इंडिकेट करने के लिए, यानी कि बात को समझाने के लिए कहा जाता है। और हमारे जितने भाई हैं, चाहे वो पंजाब से हों चाहे वो कराची से हों, सब हमारे भाई हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी की दिल आजारी हो, इसलिए पहले से बता रहे हैं कि माल को इंडिकेट करने के लिए ये कह दिया जाता है कि ये कराची का माल है या ये सखर का माल है या ये पंजाब का माल है। तो उदैर भाई ये बताएं कि पंजाब से जो लास्ट टाइम माल आया था, क्योंकि माल बल्क में आता है, ठीक है, तो आप ये कह रहे थे ना, आपकी बात से मुझे समझ नहीं आया कि क्या दोबारा पंजाब से माल आएगा? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हसन भाई? अल्लाह का शुक्र। अच्छा देखें हसन भाई, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं, एक वक्त था कि कराची से माल पंजाब जाता था, ठीक दो है, हज़ार 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक, उससे ज़्यादा भी गया हो, कराची से ज़्यादा पंजाब जाता था। लेकिन फिर वक्त ये आया कि पंजाब से माल कराची आने लगा, क्योंकि वहाँ पे बल्क क्वांटिटी में काम होना शुरू हुआ और क्वालिटी भी अच्छी रखी गई वहाँ पे। ये नहीं कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी देख के काम किया गया। ये नहीं कि पंजाब में काम ऐसा हुआ, अच्छी क्वालिटी पे काम हुआ, कराची वालों ने भी फिर अच्छी क्वालिटी पे काम करना शुरू करा। पहले कराची वाले बल्क क्वांटिटी में काम करते, लेकिन अब कराची वाले भी अच्छी क्वालिटी में क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ वॉल्यूम पे काम कराची में भी हो रहा है। लेकिन कराची में ये कि चंद लोग कर रहे हैं वॉल्यूम पे काम, जैसे जासिर भाई वगैरह हो गए, ये लोग वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, और भी हैं बड़े बड़े बीटर्स जो वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। और पंजाब में तकरीबन वॉल्यूम पे काम है वहाँ पे, मतलब ऐसे है कि मतलब छुपे हुए ब्रीडर जो जिनको कोई नामो नाम से कोई नहीं जानता, कोई अपने नाम से वाजे नहीं, लेकिन वो सही है, वॉल्यूम पे बल्क क्वांटिटी में काम कर रहे हैं। जैसे जो लास्ट टाइम अल्बाइनो आया, क्रीमनो डेकिनो आया, और फोन जावा आई, सिल्वर जावा आई, तो सब वहाँ से आई जिसमें इंटीरियर पंजाब का हुआ। देखिए, पंजाब से माल आना बुरा तो नहीं, क्योंकि वही पाकिस्तान का हिस्सा, हम भी पाकिस्तानी, वही पाकिस्तानी घूमता है माल, पहले कराची से वहाँ जाता था, वहाँ से जाता है, वो चीज़ गलत नहीं, तिजारत तो ऐसी होती है। हाँ, लेकिन बल्क क्वांटिटी में आना ये थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, और पहले हम भी पंजाब से माल मंगाते, हमने भी मंगाया, लेकिन अगर मुझे बताएं बल्क में हाँ, नहीं आएगा मिसाल के तौर पे, ये आएगा ही नहीं तो जाएगा कहाँ? ये देखें, यही तो बात है, वो भी पैसा कमाने बैठे, हम भी पैसा कमाने बैठे हैं, तो इसका सोल्यूशन देखें क्या इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि देखें, वो अपना बर्ड्स तैयार करके भेजेंगे, क्योंकि उनको भी बेचना है, उनके भी आगे पेट लगा है, उनको भी रिस्क रोजी चाहिए, उनको भी कमाना है। तो अब बात यह आती है कि हम सोल्यूशन की तरफ आए। सोल्यूशन ये है कि जो हमारे शुरू के मंथ होते हैं ना, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी, ये 5 महीने में आपका जितना बर्ड्स आपका पट्ठा आ रहा है, आप उसको सोल आउट करें, बेचें, इन 5 महीने बेच दें, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट टाइम, जैसे ये है कि अब ये नहीं कह सकते कि अगले इस ये आने वाला साल है उसमें पंजाब से माल नहीं आए, आएगा, पंजाब में माल ख़त्म नहीं हुआ है, पंजाब में ब्रीडर ने काम करना नहीं छोड़ा है, वहाँ से आएगा। तो इसका सोल्यूशन ये कि अपने 5 महीने में अपना माल अपना बेचें, जितना बेच सकते हैं आप, उसके बाद जब पंजाब से माल आना शुरू है तो फिर आप अपना माल को स्टॉप, अपने जितना भी आपका तैयार हुआ बट उसको स्टॉप कर दें, उसको होल्ड करें, फिर नेक्स्ट सीजन में अडल करके बेचें। अडल करके बेचेंगे फिर भी आपके पास पैसे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, और अच्छी कीमत ही आएगी, थोड़ा प्राइस कम होगा, ये होगा, लेकिन बिकेगा, ऐसा नहीं नहीं बिकेगा, बिकेगा। पंजाब से जो माल आता है वो पट्ठा कभी नहीं बेचते, जो पट्ठा आते आते मर जाएगा, तकरीबन मर जाएगा, वो अडल करके बेचते हैं, क्योंकि अडल करने के बाद जब 6 महीने का पट्ठा तैयार हो जाता है, 6 महीने का आ जाता है, तो वो सर्वाइवल कर सकता है। मतलब एक शहर से दूसरे शहर आने पे डिस्टेंस कितना है, रोड का, उसमें तो वो चीज़ें वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, और अगर वो पट्ठे को बेचेंगे मतलब 3 महीने का, 4 महीने का, तो वो नहीं आ पाएगा, वो इतना सर्वाइव नहीं करेगा, वो 5 महीने या 6 महीने का तैयार करने के बाद ही बेचते हैं। सही बात। तो अपना ये कि सोल्यूशन देखें और अपना बर्ड्स इन 5 महीने में सेल आउट कर दें, ठीक है। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो शुरू का बर्ड होल्ड ना करें, बाद का होल्ड कर लें, वो फिर अपने पास लगाना चाहें वो कर लें, या अपने पास जो शुरू के ब्रीड निकले फर्स्ट कलेज सेकंड कलेज, तो उसमें से जो आप रोकना चाहें वो अपने पास कुछ सेलेक्टेड रोक लें, बाकी बेच बेच दें। सही बात। क्योंकि देखें वो भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, मिल के काम करना है। अब ये बात ये भी कहते हैं कि पंजाब के बड़े ब्रीडर्स भी ये बात कहते हैं, कराची के भी कहते हैं कि फोस्टिंग से बचाएं, तो पंजाब में जो इतना बल्क में माल आ रहा है, तो देखें उनको भी यार। लेकिन उधर भाई वैसे हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ,
अगर कोई फॉस्टरिंग से भी बच, कौन इतना बेवकूफ होगा यार, लोग ज्यादा लेने की करते हैं ब्रीड, आप कह रहे हैं ब्रीड कम लो। नहीं देखिए फॉस्टरिंग में एक बात तो ज्यादा लेने की करते हैं, लेकिन एक बात लॉन्ग टर्म तो नहीं खेल सकते ना, उनका बर्ड्स खराब ही हो रहा है। अंडे सफल अंडे मतलब आप दूसरे बर्ड्स को दे रहे हो, दोबारा अंडों पर आ रहा है, तो वो तो बर्ड्स तो फिर लाइफ कम हो रही है ना उसकी। अब हर चीज का एक मतलब प्रोसेस होता है कि मतलब नेचुरल प्रोसेस होता है कि उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। सही, वो तो अंडे ले कर रहा है, अंडे ले करने का उसकी जान जितनी लगनी वो लग गई, फिर दोबारा अपने आप को रिकवर नहीं कर रहा, क्योंकि वो 3 महीने बाद फिर दोबारा ले लेता है, मतलब पट्टे मतलब 3 महीने के या 2 महीने के हो जाते हैं, फिर दोबारा अंडे ले करता है, तो मतलब 3 महीने में अपने आप को मतलब हेल्दी कर लेता है बट, तो वो उसको स्पेस तो मिल ही नहीं रहा, वो तो दोबारा फिर लेन कर रहा है, तो उसके बाद वो वीक पड़ रहा है बट, वो तो उनका नुकसान है ना, वो मतलब जो बर्ड आपका 5 साल ब्रीड करता है, 6 साल ब्रीड करता है, वो आपका बर्ड 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। कोशिश करें फॉस्टरिंग कम करें, क्योंकि फॉस्टरिंग से इफेक्ट उनको भी पड़ रहा है, हमें भी पड़ रहा है, वो भी सस्ता ही बेच रहे हैं, क्योंकि देखें वहां से सस्ता आ रहा है तो यहाँ पे कुछ पैसा रख के बेचा जा रहा है ना, ये तो नहीं कि वो जितने का दे रहे हैं उतने का यहाँ बेच रहा, नहीं वो भी नुकसान में बेच रहे हैं, तो वो उससे वो भी बचेंगे। जब माल कम होगा ना, प्रोग्रेस कम होगी, तो उसके बाद बताऊँ क्या, उसकी वॉल्यूम मतलब अमाउंट बढ़ेगा ही, वो अगर 10 पेयर बेचेंगे तो 10 पेयर की कीमत एक अलग होगी, वो 100 पेयर बेचेंगे उसकी कीमत अलग होगी। ये नहीं कि 100 पे ही काम करें, कोशिश करें 50 पे कर लेगा। सही बात, अमाउंट उतना ही आएगा, पैसे उनको उतने ही मिलने, मेहनत ज्यादा उनकी लग रही है इस चीज़ में, पोस्टिंग में मेहनत ज्यादा लगती है, ये बात आप समझें, मेहनत ज्यादा लगती है, पोस्टिंग से बचाएं, पोस्टिंग पेयर को खत्म करें और नेचुरल ब्रीड पाएं, उसमें यह है कि बर्ड का उनका बर्ड सर्वाइव भी करेगा, बर्ड्स में भी खामी होती है भाई, जो पहला अंडा जो मतलब पहले के कलच के अंडे होते हैं ना, मतलब पोस्टिंग कर लेते हैं वो तो सही रहता है, जो सेकंड होते हैं ना तो वो भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन थर्ड वाला जो आता है ना वो वीक पड़ता है। अच्छा, बर्ड्स में खामी होती है, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है बर्ड्स को। अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं जी, गोरा जो है ना, हम लोग खुश होते हैं ना, हमारे बर्ड ने 7 अंडे दे दिए, 7 बच्चे दे दिए, वो एवरेज पे काम करते हैं, 6 बच्चे दे दिए। अच्छा गोरा बेवकूफ समझता है, हाँ बोलता नहीं, गोरा कहता है जो सही तड़ाके वाले बच्चे चाहिए ना, जो कॉम्पिटिशन में लड़ाने वाले, वो 3 या 4 चार से ऊपर में की बात नहीं करता वो, हाँ, चार से ऊपर अगर होंगे तो वो बोलेगा कि नुकसान है बर्ड का, है बर्ड का बिल्कुल, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो उस लेवल के नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ। माँ बाप भी फिर जाहिर है अपनी एनर्जी पूरी लगाएंगे, लूज करेंगे, तो वो वाली बात नहीं आ पाएगी। कह रहे हैं अगर 3 बच्चे दिए हो ना बर्ड ने और उन तीनों को पाले सॉफ्ट फूड पे, तो वो बच्चे तैयार होते हैं ठीक ठाक किस्म। हम लोग भागते हैं पैसे के पीछे, हमारे पास पैसा मिल जाए ज्यादा, सही बात है, सही, गोरा पैसे के पीछे नहीं भागता वो, उस बर्ड की भी इतनी, देखिए वहाँ पे एक बात बताऊँ कि अंग्रेजों में ये खासियत बहुत अच्छी चीज़ है कि वो जानवर को जानवर नहीं समझते, हम लोग जानवर को जानवर समझते हैं, वो जानवरों को भी एक कहते हैं जानदार चीज है यार। आपको पता है बिल्ली को या कुत्ते को आप बाहर पत्थर भी मार दो ना, उनको तंग कर दो, छेड़ दो, तो उस पर भी वो कहते हैं कि आपने छेड़ा क्यों, आप नहीं तंग कर सकते। वहाँ पे इंसानों से ज़्यादा कदर जानवरों की है, चाहे वो परिंदा हो या कोई भी एनिमल हो, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, और इंसानों की भी है, वहाँ हर किसी की जानदार चीज़ की इज्जत है, मतलब रिस्पेक्ट है, और यहाँ पर ये है कि हम बस जानदार चीज़ को चला रहे होते हैं, ब्रीड ले रहे हैं तो दे देना, नहीं देखिए मैंने भी अपने शेड में फॉस्टरिंग पेयर शुरू से नहीं रखा, अंडे शफल कर लेता हूँ मैं, मतलब कि एवरेज करने के लिए, वही बात आती है 4 से 5 बच्चे पलवाता हूँ एक पेरेंट से, 8-8 बच्चे 9-9 बच्चे नहीं पलवाता, क्योंकि वो क्योंकि हर पेयर है ना इतना अच्छे वर्किंग नहीं करता, कोई पेयर है जो 4 बच्चे देता है, कोई पेयर है 5 देता है, कोई पेयर है 3 देता है, इसी के 2 भी निकल आते हैं तो वो एवरेज कर देते हैं, मैं घुमा देता हूँ, तो उनका ये होता है कि वो पालते अच्छा है, और वो मैं शफलिंग करता हूँ, फॉस्टरिंग नहीं करता, फॉस्टरिंग पेयर्स हटाएं, क्योंकि इस पर नवीद शेख साहब भी बोल रहे हैं कि फॉस्टरिंग खत्म करें, इस पर रहीम अली डीनो साहब भी कहते हैं कि फॉस्टरिंग खत्म करें, नेचुरल ब्रीड को लेकर आए, उस पर यह है कि हम ही सबका फ़ायदा है, पंजाब से माल है हमें कोई इससे वो नहीं है, पंजाब क्योंकि भाई पहले कराची से माल जाता था पंजाब में, तो ये कोई वो चीज़ नहीं है, उन्होंने पहले हमसे भी लिया ना, हमने कमाया, आज वो कमा रहे हैं, उनका हक बनता है भाई। कोशिश ये करें कि पोस्टिंग पेयर ना करें, एक लिमिटेड स्टॉक आए, वो आए जिसमें यार हमारा जितना डाउन उतना अचानक से रेट गिरा, ये वो ये चीज़ नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान से जब एक्सपोर्ट प्रॉपर वे पे खुलेगी ना, जैसे कि एक तो ये जो इलीगल वे पे जा रहा है ना, मतलब ईरान के थ्रू ये वो, एक प्रॉपर एक्सपोर्ट खुलेगी जब हमारा क्वालिटी बट सामने शो होगा, हाँ जब बाहर वालों को हम पे ट्रस्ट होगा, तो वो फिर हम लोग का ये मामला बिल्कुल ही सही हो जाएंगे, फिर पंजाब से माल यहाँ नहीं आएगा, फिर पंजाब से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा। सही सही। सो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप बर्ड्स की ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स हमसे मंगवाना चाहते हैं
तो हमसे मंगवा सकते हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवरी करते हैं। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन ऑर्डर करने का तरीका ये है, बीएम लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।